हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आज की रेसिपी में आप लोग साथ शेयर कर रहे हैं वेट लॉस ब्रेकफास्ट, जो कि जिन लेडीज़ों का वज़न ज़्यादा है और वेट कम करना चाहती हैं, हेल्दी रहना चाहती हैं और अपनी बॉडी को शेप में लाना चाहती हैं। सो गाइस, उनके लिए ब्रेकफास्ट बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए इस रेसिपी को आप लोग साथ शेयर करते हैं। देखिए इसको बनाने के लिए हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ की है। सो गाइस, ये हेल्दी चीला बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पे, ये जैसे कटोरी है, हाफ कटोरी मैंने मूंग धुल की दाल ली है, धुली दाल, और हाफ कटोरी राइस लिया है मैंने, चावल जो कि नॉर्मल चावल होते हैं, ज़रूरी नहीं कि बासमती राइस हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत छोटे वाले जो राइस होते हैं ना वो लिए है, मूंग की धुली दाल है और ये चावल है। तो बस हाफ हाफ कटोरी मैंने इनको सोक कर दिया है 2 घंटे के लिए, ठीक है। ये 2 घंटे से भीगे हुए हैं और ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए। अब इनको हमने क्या करना है, ग्राइंड करना है, जैसे कि डोसे का बनाते हैं ना बैटर, बस वही बनाना है। अब इसे जो है हमने ग्राइंड कर लेना है, हमने 2 बार में ग्राइंड करना है, और अगर अच्छे से नहीं पीस रहा होगा तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। और इसमें क्या करना है, 1/2 टीस्पून के करीब सॉल्ट डाल देते हैं। तो बस अभी इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे फिर से ग्राइंड कर लेते हैं। इस तरह से एक बोल में डाल लेते हैं इसको, बैटर इसका, दूसरा बैच। थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसे, अच्छे से इसका जो है बैटर बन जाएगा, और इसमें 1/2 टीस्पून के करीब सॉल्ट डाल देंगे। और इस तरह की जो छोटी चम्मच होगी ना, बस उसी से सॉल्ट डालना है, नमक डालना है, बड़ी चम्मच से नहीं डालना है, जो खाने वाला होता है टीस्पून है, टीस्पून से डालना है, इससे नमक ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ा पानी इसमें डाल के इसमें डाल लेते हैं, अभी डोसे वाला ही बैटर रेडी करना है, जैसे डोसा बनता है। यहाँ पे देखिए हमने रख दिया है पैन एक, तो यहाँ पे तवा रख सकते हैं, पैन रख सकते हैं, जिसमें भी आपको इजी रहे, जो आसानी से जिसमें बना सके। नॉन स्टिक तवा हमने रखा हुआ है जिसमें कि हम डोसा बनाते हैं। तो बस इसमें यहाँ पे एक लैडल जो है लेंगे बैटर इसका, और इसको डाल देंगे। कोई ऑयल नहीं डालना है अभी, देखिए मैंने तवे पे अभी ऑयल बिल्कुल भी नहीं डाला है, ऑयल नहीं डालना है, क्योंकि ये वेट लॉस ब्रेकफास्ट बन रहा है चीला, तो ऑयल बहुत कम यूज़ करेंगे इसमें। अब इसे कवर कर देते हैं, गैस की फ्लेम जो है मीडियम ही रखेंगे, बस 1 से 2 मिनट के लिए इसको पकने देते हैं। ढक्कन को हटा के अब जो है इसमें हल्का सा ऑयल डाल देते हैं और इसको पलट देते हैं। यहाँ पे आप चाहे अपने टेस्ट वाइज हल्दी डालना चाहे तो डाल दे, बट मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ हल्का सा इसमें अपने टेस्ट वाइज नमक डाला हुआ है, क्योंकि साथ में इसके दही लेनी है, और मैंने एक चटनी बना रखी है जिसकी वीडियो हमने अपलोड कर रखी है, और वो चटनी बहुत ही फ़ायदेमंद है उसके लिए, इसका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, चटनी ज़रूर बनाए। तो इसके साथ, इस नाश्ते के साथ ना, चटनी लेनी है 1 टेबल स्पून और दही लेनी है। 1 हफ्ते इस तरह का नाश्ता जो है करने से वज़न में काफ़ी फ़र्क आएगा। सेक लेना है दोनों साइड में, इससे बहुत जल्दी वेट कंट्रोल होता है, क्योंकि हमने भी इस तरह से फॉलो किया है। और इसी तरह से क्या है कि डिनर में भी आप चीला ले सकते हैं, रोटी और चावल अवॉइड करना है, रोटी चावल नहीं खाना है डिनर में। अगर वजन कम करना है तो रोटी चावल की जगह आपने इस तरह से चीला बना लेना है। अलग अलग तरह का चीला हम बताएंगे आपको कि कैसे बनाना है। देखिए रेडी हो गया, और ऑयल बहुत कम डाला था इसको। चलिए अब 2 चीले बनाने हैं, 2 खाने हैं कम से कम, तो एक ही बन गया है, अब दूसरा भी रेडी कर लेते हैं। ऑयल बिल्कुल भी नहीं डालना है पहले तवे पे, ऐसे बैटर डाल के आपने फैला देना है इस तरह से। छोटे भी बना सकते हैं, अगर बड़ा नहीं बना सकते, चीला का साइज़ बहुत ज़रूरी नहीं है कि डोसे के बराबर बनाए, छोटा बना सकते हैं। इसे कवर कर देना है 1 से 2 मिनट के लिए, इसको स्टीम में पकने देना एक साइड।
बिल्कुल ऑयल की ज़रूरत नहीं है, अगर ऑयल बिल्कुल भी नहीं डालना ना तो भी बन जाएगा। हल्का सा डाल देते हैं, 2-4 ड्रॉप। वन वीक इस तरह का नाश्ता करके देखिए, डेफिनेटली बिल्कुल से वज़न आपका कम हो जाएगा। उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर सकती हैं ब्रेकफास्ट में। कम से कम 1 महीने तो करना ही पड़ता है, चाहे वो कुछ भी हो। डाइट से तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है, 80% तो डाइट से ही फ़र्क पड़ता है वेट कंट्रोल करने के लिए। गाइस ये देखिए रेडी हो गया है ब्रेकफास्ट हेल्दी। अब इसमें क्या करना है, 1 कटोरी दही ली है तो इसमें रोस्टेड क्यूमन पाउडर यानी कि भुना हुआ जीरा पिसा हुआ अपनी टेस्ट वाइज, अगर पसंद है तो डाल सकते हैं। टेस्ट वाइज नमक डालेंगे, सॉल्ट, थोड़े से चिली पाउडर। और ये जो है चटनी आप देख सकते हैं जो मैंने जो बनाया है, ये बहुत ही हेल्दी, और इसकी रेसिपी अपलोड कर रखी है मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे, इसे ज़रूर देखिएगा। तो ये है गार्लिक और क्यूमन सीड, ग्रीन चिली, और इसमें डाला ऑलिव ऑयल बस, यानी कि जीरा, लहसुन, हरी मिर्च, इसको डाल के पीसना है। पानी नहीं डालना है, पानी बिल्कुल भी नहीं बनाना है डालना इस चटनी को बनाने में, और ऑलिव ऑयल डाल दें बस। इसको बना के इस तरह से रख लेना है, और खाने में लंच टाइम या ब्रेकफास्ट टाइम या डिनर में आपने लेना है इसको, तो ये बहुत फ़ायदा करता है। सो गाइज ये देखिए हेल्दी ब्रेकफास्ट हमारा रेडी हो गया है, तो इसे फॉलो कीजिए। आई होप कि रेसिपी पसंद आई होगी, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसको आपने खाया और इससे क्या फ़ायदा हुआ।